हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉली और आज मैं बना रही थी चाट कोन या चाट टोकरी, और इसमें कुछ तीन टाइप के अलग अलग फिलिंग में बनाऊंगी, तो जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये चाट टोकरी या चाट बास्केट या चाट कोन लगेगा। तो ये मैंने रेडीमेड ही बाहर से लिया था, मुझे ये बेकरी में से मिल गया था। तो इस तरीके से आपको बाहर ये मिल जाएगा इजीली। तो ये कुछ 70 रुपीज़ और 35 रुपीज़ का ऐसा कुछ था। ये कोन जो थे 75 रुपीज़ के थे और ये कटोरी जो थी, टोकरी जो ये थी, वो थी 38 रुपीज़ की। तो इस तरीके से मैंने रेडीमेड ले ली थी, आप चाहो तो घर में भी बना सकते हो इसे। मैंने ना ये मूंग भिगो के रख दिए थे रात को, और फिर दिन में मैंने इसे इस तरीके से डब्बे में बंद करके रख दिया था, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्प्राउट्स आ गए थे। तो आप ये स्प्राउट्स बना के रख सकते हो। और इसमें फिर हमें लगेगा टमाटर, और ये है बारीक कटी हुई प्याज, और कुछ चूड़ा था मेरे घर में तो वही मैंने ले लिया, नमक, मिर्ची, हरा धनिया, और ये पानी पूरी मसाला आप डाल सकते हो और भी टेस्टी लगेगा, और ये मुरमुरे लिए हैं मैंने। ये सब चीज़ हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहती है। और ये इमली की चटनी बना ली थी, ये ऑप्शनल है, अगर आप इमली नहीं खाना चाहते हैं तो आप ये नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, पर इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें लगेगी ये बास्केट बनाने के लिए। इसमें तीन टाइप के अलग अलग फिलिंग बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले फिलिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स वाली फिलिंग। तो इसमें ये जो मूंग मैंने भिगो के रखे थे वो मैंने थोड़े से ले लिए, और इसके बाद अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर, इसमें डालूंगी ये बारीक कटी हुई प्याज, फिर इसमें ये जो बॉयल आलू थे वो डाल दिया। तो इतने ही सामान से आप तीन चार टाइप की फिलिंग बना सकते हो, जो भी आपके घर में पसंद करते हैं उस तरीके से। तो ये फटाफट से आलू डाल रही हूँ मैं, और ये चूड़ा था घर में तो वही चूड़ा डाल रही हूँ, सेव है अगर आपके पास तो सेव डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाल रही हूँ, और अब इसमें थोड़ा सा दही भी डालूंगी, मीठा दही यूज़ कर रही हूँ मैं, तो मीठा दही डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ये हरा धनिया, और नमक स्वाद अनुसार डालना है, मिर्ची पाउडर डाल लेना है, आप ग्रीन मिर्ची भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो। ये थोड़ा सा पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है फटाफट से। और भी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो जो भी आपके घर में पसंद करते हैं, कुछ सब्जियां है, वेजिटेबल्स है, तो वो भी डाल सकते हो। और बस ये टोकरी में फिल कर लेना है। तो फटाफट से ये टोकरी में मैं भर दूंगी, और इसमें ऊपर से इमली का पानी डाल रही हूँ। आप चाहो तो दही भी डाल सकते हो, मैं दही ऊपर नहीं डाल रही हूँ, पर चाहो तो आप डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ और गार्निश कर रही हूँ उसको हरे धनिया से। और ये हमारी बास्केट बनके रेडी हो गई। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वैसे मेरा बेटा स्प्राउट बिल्कुल नहीं खाता है, पर मैं उसको इस तरीके से बना के देती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से स्प्राउट्स खा लेता है। तो ये बन गई हमारी चाट बास्केट चाट टोकरी। तो ये थी हमारी पहली फिलिंग। इस तरीके से आप फिलिंग बना सकते हो इसमें अंदर भरने के लिए। तो इन्जॉय करिए इस चाट बास्केट को, आप भी अपने घर में बना के देखिए ज़रूर। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड फिलिंग। तो सेकंड फिलिंग के लिए हमें इसमें लेना है मुरमुरा, और इसमें मैं डालूंगी प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, चूड़ा डाल देना है इसमें। तो एकदम भेल जैसा ही बनाना है, थोड़ा सा स्प्राउट्स भी डाल दिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर,
और बस फटाफट से इसको मिक्स करना है। इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाल दूंगी मैं, तो इमली का पानी, अगर आप ग्रीन चटनी आपके पास अवेलेबल है तो आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हो और भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट से इसको बेल बना लेनी है और बस ये बेल हमारी बन गई है। और मैं इसको ये जो छोटी छोटी वाली जो बास्केट थी ना उसमें अभी भर रही हूँ। और ये हो गई हमारी सेकंड फिलिंग बन के रेडी फटाफट से। तो इस तरीके से भी आप फिलिंग बना सकते हो अंदर भरने के लिए। उसमें थोड़ा सा चूड़ा वगैरह मैं डाल दे रही हूँ ऊपर और गार्निशिंग के लिए। तो ये बन गई हमारी चाट बास्केट, इसे भी आप ज़रूर बना के देखिए। बहुत ही फटाफट सा स्नैक्स है ये और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी से इसे खाते हैं। तो बस अब ये थर्ड वाली फिलिंग बना रही हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाई थी। मैंने ये आलू लिए, इसको मैश कर लिया और इसमें थोड़ा सा स्प्राउट्स डाल रही हूँ मैं अभी, और थोड़ा सा चूड़ा डाल लिया फिर से, जो भी चूड़ा है आपके पास घर में आप डाल सकते हो। टमाटर डाल दो इसमें, प्याज डाल दिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये इमली की चटनी, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हो आप, और इसमें धनिया। और ये थोड़ा सा पानी पूरी मसाला, चाट बना रहे हो तो कुछ इस तरीके से स्पाइसी मसाले, चटपटे मसाले अच्छे लगते हैं उसमें। और फटाफट से बस इसको मिक्स कर लेना है। और ये बन के रेडी हो गई हमारी तीसरी फिलिंग। इसमें ये जो कोन था ना मेरे पास उसमें भर रही हूँ। तो ये भी बहुत मज़ा आती है इसे खाने में, बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा बहुत ही पसंद करता है ये। वैसे वो आलू भी नहीं खाता है पर इसको इस तरीके से बना के देती हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को बना के दे सकते हो, आप भी खा सकते हो, बहुत ही मस्त लगती है ये आइटम। तो बिल्कुल बना के देखिए आप ये। और ये बन गया हमारा चाट कोन। तो आप भी इस तरीके के चाट आइटम बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे बाकी वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हो, मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहती हूँ। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। देख सकते हो बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा चाट कोन बनके रेडी है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ये ना कुछ अलग अलग फोटोज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जिसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल में। तो आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये कुछ फोटोज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो ये इसका वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं।